देश भर में लोकसभा चुनाव के सभी चरणों का मतदान अब पूरा हो चुका है। अब लोगों को 4 जून का इंतजार है और इसी दिन चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। सभी के मन में एक ही सवाल है कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर कौन विराजमान होगा, कांग्रेस या भाजपा? क्या भाजपा 400 पार का लक्ष्य पूरा कर पाएगी या फिर देश की जनता का मिजाज बदला हुआ नजर आता है? ये सब 4 जून को पता चलेगा। और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की हॉट सीट राजनांदगांव लोकसभा, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान सांसद संतोष पांडे आमने सामने हैं। इस दिलचस्प मुकाबले में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये जानने के लिए सभी उत्सुक हैं। सूत्रों की माने तो सट्टा बाजार में भूपेश बघेल के ऊपर बढ़ चढ़कर दाव खेला जा रहा है और अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। मतगणना को लेकर आज जिला प्रशासन के द्वारा सुबह से ही मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया कहां से आएंगे, इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण किया। राजनांदगांव से नमेश अग्रवाल की रिपोर्ट। जैसा हम सब लोगों को पता है कि 4 जून को राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत मतगणना की कार्रवाई होनी है। उसमें किस रूट से हमारे काउंटिंग में सुपरवाइजर असिस्टेंट जो है उनको आना है, काउंटिंग एजेंट्स को किस रूट से आना है, मीडिया पर्सन्स को किस रूट से आना है, बाकी जो भी और जैसे चिकित्सा व्यवस्था है ना कहाँ पे होगी, कैंडिडेट और उनके इलेक्शन एजेंट है ना अगर वो आना चाहें तो वो कहाँ आएंगे, कहाँ बैठेंगे, शाम को किस जगह पे जो है सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर राउंड पे जो अनाउंसमेंट जो होगा वो कहाँ से होगा, तो उनकी सारी चीज़ों की तैयारी। और चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ये रिटर्निंग ऑफिसर का हेडक्वार्टर है, अन्य ज़िलों से भी हमको जानकारी आएगी। 4 विधानसभा की काउंटिंग यहाँ होगी, 2 विधानसभा की काउंटिंग कवर्धा में होगी, 1 विधानसभा की खैरागढ़ में और 1 विधानसभा की मोहला में होगी। तो उधर से भी जो है राउंड वाइज डेटा जो है ना यहाँ आएगा, उसको कंपाइल करके यहाँ से जो है अनाउंसमेंट होगा पूरे लोकसभा का हर राउंड में। तो ऐसी स्थिति में 4 तारीख को जो भी व्यवस्था करनी है उसकी एक रिहर्सल हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसी तरह से सिक्योरिटी पर्सनल है ना कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, क्या चेक करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में आज जो है रिहर्सल होगा। डाक मतपत्र की काउंटिंग है ना कैसे होगी, क्या होगी, उसके लिए भी डाक मतपत्र के लोगों को अलग अलग विधानसभा में जिन लोगों की EVM से काउंटिंग होगी उन लोगों की सब लोगों को आज बुला करके माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ही बुलाएँ, सबको अपने अपने जगह पर। अभी एक्चुअल में टेबल कौन सा है वो अभी इनको नहीं पता लगेगा, वो 4 तारीख की मॉर्निंग में पता लगेगा, बट विधानसभा किस विधानसभा में जाना है ये आज इनको पता लगेगा।